गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे, द फर्स्ट वेरी टॉपिक फॉर टुडे इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और फैराडे ने हमें इसके बारे में बताया और समझाया, इसीलिए उनको याद करते हुए हम उनका नाम यहाँ पर ऑनर करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम फैराडे केजेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये केजेस जो हैं, इस वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्चुअली में क्या काम कर रही है। केजेस क्या होते हैं? केजेस यानी कि पिंजड़े। और पिंजड़े क्या करते हैं? पिंजड़े जो हैं वो अपने अंदर, आपने पिंजड़े के अंदर जो कुछ भी रखा है उसको सुरक्षित रखते हैं बाहर की प्रॉब्लम्स से, है ना? सही है। सो बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो पिंजड़े के अंदर है उसको उस बाहर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर सुरक्षित बैठा हुआ है। तो ये ही काम जो है ये फैराडे केजेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का है, ठीक है। कैसे होता है इसको, एक सेकेंड थोड़ा आगे, इसका प्रिंसिपल, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है वो ये समझते हैं। हालांकि आप इसको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई हॉलो मेटल, हॉलो कंडक्टर है, तो बाहर जितना मर्जी उसके चार्ज हो, है ना, जितना मर्जी आप उसके बाहर सरफेस के ऊपर चार्ज बिठा दें, इसको एक मेटल का बॉक्स मान लो, तो बॉक्स के ऊपर आप जितना मर्जी चार्ज बिठा दो, लेकिन खाली बॉक्स के अंदर जो फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी? ज़ीरो। यानी इन चार्जेस की कोई भी असर, कोई भी फील्ड इस बॉक्स के अंदर हमें महसूस नहीं होती है। तो ये बॉक्स एक तरीके से एक पिंजड़ा बन जाता है जो अपने अंदर बैठी हुई वस्तु को, अपने अंदर बैठी हुई बॉडी को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर के इलेक्ट्रिक चार्जेस से बचा के रखता है। कोई शॉक नहीं लगने देता, कोई इलेक्ट्रिक शॉक का या फील्ड का असर नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक आपको याद रखनी है बात, कि जो बॉडी अंदर बैठी है ना, वो इस बॉक्स के मेटल सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए। वो बॉडी जो अंदर बैठेगी वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, इस मेटल सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप किसी बॉडी को, यहाँ नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रख करके और यहाँ ऊपर नीचे सारी साइड्स में गैप दे करके अगर आप इस बॉडी को यहाँ रखते हो, तो जितना मर्जी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस जितने ज़्यादा मर्जी हो, लेकिन इस बॉडी के ऊपर इन चार्जेस का कोई असर नहीं होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? ज़ीरो। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केजेस। इनसाइड द कैविटी, खाली जगह ऑफ ए हॉलो कंडक्टर, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वर्ड यहाँ आपको समझना चाहिए, या अच्छा आगे समझाती हूँ इसको। इसका एक बहुत क्लियर एग्जांपल आप देखो तो, ये मैंने यहाँ लिखा है, मान लो बिजली चमक रही है ना, बड़ी ज़ोर से बिजली चमक रही है और आप किसी कारणवश घर से बाहर हैं, ठीक है, तो आप कहाँ पर सेफ हैं? अपनी कार के अंदर या बाहर किसी पेड़ के या खुले मैदान में, पेड़ के नीचे या किसी खुले मैदान में, कहाँ पर आप सेफ हैं? आप अपनी कार के अंदर सेफ हैं। ये मान लो आपकी कार है, कार मेटल की बनी होती है ना, ये कार है। अगर आप कार के सारे शीशे दरवाजे बंद कर दें, यानी कार पूरी तरह से बंद है, और आप कार की सीट पर आलती पालती मार के, चौंकड़ी मार के बैठ गए हैं और कार को कहीं से टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजली अगर कार पर गिर भी जाती है, आप अंदर सेफ रहेंगे, आप पर ये बिजली का कोई भी असर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फैराडे केजेस, या कि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट शर्त क्या है, यहाँ लिखा नहीं था क्योंकि मैं आपको समझाने के बाद लिखना चाह रही थी, आपने यहाँ लिखना है, इट इज़ सेफेस्ट टू सिट इनसाइड ए कार टोटली इंसुलेटेड फ्रॉम द कार, टोटली
इंसुलेटेड फ्रॉम द कार। आप कार को किसी भी तरह से टच नहीं करेंगे, कार की बॉडी को किसी भी तरह से टच नहीं कर रहे हैं, तो आप उस कार के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। आपको लाइटनिंग का, बिजली चमकने का कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी पर रिलेटेड मैंने यहाँ आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, असाइनमेंट, कि कोई अगर सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से असर पड़ जाता है, उसको सेफ रखना हो, है ना, तो उसको एक मेटैलिक बॉक्स के अंदर इंसुलेट करके रखते हैं। क्यों करते हैं? तो आप इसका मतलब यहीं से समझिए, ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ज़रा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास आया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपने संभाल करके एक मेटल के बॉक्स के अंदर तो रखा है, लेकिन इंसुलेट करके रखा है। मैं बार बार ये वर्ड आपको समझा रही हूँ, इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेटल के बॉक्स को टच कर जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, फिर इसके ऊपर चार्जेस अपना असर दिखाएंगे। इंसुलेट करके रखना ज़रूरी है, इसने मेटल के बॉक्स को किसी भी हालत में टच नहीं करना है, ठीक है। ऐसा आपने अपने घरों में, अगर आपके पास सोलार पैनल है और सोलार बैटरी आपके घर में है, तो आप उस बैटरी को देखना, वो बैटरी जो है, ये बैटरी है वो एक मेटल के बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर रखी होती है। अगर है तो ज़रूर देखिएगा, आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये होमवर्क, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से देख के समझ के करना है, राइट।